और लगभग तैयारी हो चुकी है, देखिए अब कबड्डी कोर्ट हमारा। हाँ ये अब करो बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। जरूर, सबसे पहले आप जाते ही करना। ये हमारे तुंगेश्वर शर्मा जी, सीनियर मोस्ट पीईटी। सर कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो मौसम भी साथ दे रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। वॉलीबॉल कोर्ट बिल्कुल तैयार है और मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। हमारे स्थानीय विद्यालय के पीईटी हुकम ठाकुर जी। सर कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया। अच्छा, इवेंट्स लगातार चले? बिल्कुल, और ये मैच अभी शुरू होने वाले हैं। बैडमिंटन के दो मैच हमने यहाँ पे हो गए हैं और खो खो का कोर्ट बिल्कुल रेडी और वॉलीबॉल का रेडी कर रहे हैं। ओके, और कसोक जोन किन किन चीजों में आगे चल रहा है अभी? कबड्डी में और वॉलीबॉल में और बैडमिंटन में। वेरी गुड, आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू। और सकुशल ये सारा का सारा निपटे, हम तो आपके साथ हमेशा है ही है, आज भी थे कल भी थे। सहयोग से आपके ही और आपका जो स्पोर्ट्स के प्रति जुनून है, जो जज्बा है, वो जबरदस्त है भाई। आपको भी नमस्ते बहुत बहुत। यहाँ बेटा, ये हमारे ग्राउंड कमेटी के देखिए मेंबर तेज तरार, ये हमारे सोनी साहब, भरत सोनी जी। बहुत निकालते हैं, बस काम बहुत करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। वॉलीबॉल ऑफिशियल्स हमारे बिल्कुल तैयार है और कुछ ही क्षणों में जो मैचेस है हमारे वो शुरू होने वाले हैं। चेतन शर्मा जी, लालचंद जी, कैसे सर? सर 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 बढ़िया है, तैयार है? बहुत। सर नमस्कार। निर्मल ठाकुर फ्रॉम धर्मपुर। जी जी, शशिपाल पीटी जी, गोपाल सेकंड जी। सर आज तो लगातार चलेंगे मैचेस मेरे ख्याल में ना? विदाउट एनी ब्रेक और तैयारियां, वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल द वॉलीबॉल मैचेस। जी सर, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू दैट यू कवरेज अस इन सोशल मीडिया। थैंक्स अ लॉट सर। ये यूट्यूब चैनल पे आएगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है पर्सनल, डीएस नेगी सर वाला, राहुल एडवेंचरस नेगी पे। तो जितने भी क्लिपिंग्स आप वहाँ देख पाएंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके सर। ये हमारे राजेश तिवारी जी, एडीबीओ साहब, खो खो कोर्ट जो है पूरा तैयार है और अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है। थोड़ी सी बातचीत तिवारी जी से कर लेंगे। राजेश भाई नमस्कार। मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। नमस्कार जी। ये हमारे कन्वीनर है खो खो के जी, सकलानी जी, पहला मैच हमारा खो खो का चलेगा। सर आपका शुभ नाम? हाँ, क्योंकि मैं नाम से कम जानता हूँ, फेस तो हर साल मिलते ही मिलते हैं। हाँ जी, तो सर फिर मैचेस ठीक चल रहे हैं? सर ठीक चल रहे हैं, हमारा सब गेमों के सेकंड बहुत जल्द चल पड़े चलेंगे। मतलब आज लगभग काफी मैचेस निकलेंगे मैक्सिमम। अच्छा, कल क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, एक मैच फाइनल के रह जाएगा परसों के लिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने ना सेमीफाइनल और फाइनल के लिए चीफ गेस्ट रखे हैं, तो उस वक्त प्लीज इन्फॉर्म करें तिवारी। और मैंने आपका नंबर ना शेयर कर दिया लगभग सभी कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ, तो वो आपको पूछेंगे डेली की आपने उनको अपडेट कर दिया। और ये यूट्यूब चैनल पे आएगा सर मेरे, डीएस नेगी सर करके लिखना, एडवेंचरस नेगी भी लिख सकते हैं, वहां पे आएगा। बहुत बहुत बधाई तिवारी जी, और आज शाम को आपको स्पेशली इनविटेशन भी है हरिओम जी की तरफ से। जी जी जी। हाँ जी बच्चों तैयार हैं? सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डीएस नेगी सर करके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखो हमारे मैच ऑफिशियल्स बैठे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया जी, अच्छे चले? बहुत बढ़िया चला सर। चलो बहुत बढ़िया चलना चाहिए, अब आज तो मौसम भी अच्छा है। बहुत बढ़िया जी, शुरू होने हैं, सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कुछ वेट कराने के लिए और इवेंट में भाग लेने के लिए। जो योगा कंपटीशन में पहला ब्लॉक हमारा भाग लेने वाला है, आठ ब्लॉक, इसमें मेरा जज साहिबान से निवेदन रहेगा कि जो कंपटीशन में हमारा आठ ब्लॉक से है, नंबर एक पे विवेक ठाकुर, निर्णायक मंडल, आप नोट कर ले नाम, विवेक ठाकुर। और नंबर दो पे, जस्ट नंबर दो पे पीयूष, और जस्ट नंबर थ्री डिंपल।
जस्ट नंबर फोर चांद और सबसे लास्ट में दिव्या। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर फोर एंड नंबर फाइव। मेदराम जी हमारे यूनिवर्सिटी फेलो। बेटा जो ए ग्रुप का आसन रहेगा आपका पश्चिमोत्तान आसन, इसका जो समय रहेगा एक मिनट, आप विसर के ऊपर स्टार्ट करेंगे और विसर के ऊपर ही उसको छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, झटका देके कोई नहीं करेगा। ये जो आसन हमारे ब्लॉक से निकले हुए हैं ये सभी ब्लॉक के लिए सेम रहेगा, और बी ग्रुप का जो आसन रहेगा हमारा वो रहेगा भू नमन। सी ग्रुप में आपके लिए ऑप्शन रहेगी छह आसन में से एक करना है, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शनल रहेगा आउट ऑफ सिलेबस, और सेकंड ऑप्शनल भी रहेगा आउट ऑफ सिलेबस। तो हमारा जजेस का पैनल रेडी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका योगा कंपटीशन जिला मंडी के 11 ब्लॉक इसमें भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टेज पर है आउट ब्लॉक, बेटी रेडी सभी स्टार्ट है पश्चिमोत्तान आसन, विसर के ऊपर आप स्टार्ट करेंगे सभी और विसर के ऊपर ही आप छोड़ेंगे। पश्चिम ताना सर निर्णायक मंडली लगातार जांचते हुए Yeah.
तो इस तरह से योगा का ये इवेंट खत्म हुआ। अलग अलग जोन जो है अपने योगा की अलग अलग आसन जो है उसे यहाँ करके दिखाते हैं और उसी हिसाब से जजमेंट दी जाती है और लास्ट में जिस जोन का सबसे बेहतर रहा उनको सबसे ज़्यादा अंक। ये खो-खो मैच का क्लिप है। शुरू के तीन छुए जा चुके हैं, उसके बाद वालों का नंबर बहुत अच्छा डॉस लगाया था लड़के ने। चेज कर रही है चचोट जोन, अच्छी चेजिंग है बहुत इनकी। और गोपालपुर सेकंड जो है वो रनिंग कर रहा है, फर्स्ट इनिंग है ये। छह आउट हो चुके हैं, उसके बाद अगले तीन आ चुके हैं। आप सभी को एक क्लोज दिखाएंगे हम यहाँ पोल के पास। बच्चे छोटे हैं लेकिन तेज बहुत हैं। डाइव थी, शानदार डाइव। डीएस नेगी सर, बहुत ही शानदार चेजिंग हो रही है। 8 पॉइंट हो चुका है, यानी 8 लोगों को छुआ गया है। और आज से हमारे कुश्ती के जो इवेंट है वो भी शुरू होने हैं। हमारे कुश्ती के ऑफिशियल्स पधार चुके हैं। ये अपने संजय भाई है पैड़ी से, कुश्ती ऑर्गेनाइज कराते हैं और तैयारी कर रही है। तैयारियां चली हैं, कल बहुत शानदार बात कही थी इन्होंने कि बच्चों को इस तरह से तैयार करें क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल आज के दिन में कुश्ती में आ रहा है और हिमाचल में भी बच्चों के अंदर बहुत क्षमता है। दो शब्द हम बात करेंगे संजय भाई से। तो सर, किस तरह से आप जो है प्रमोट कर रहे हैं कुश्ती को हमारे, खासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोनल लेवल पे? जी, यहाँ अंडर 14 स्कूली खेलें चल रही हैं करसोग में और इस बार जो है 3 सालों के अंतराल के बाद खेलों का जो माहौल हिमाचल प्रदेश में बना है उसी के तर्ज पर हम लोग अंडर 14 कुश्ती प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। लड़कों की आज और लड़कियों की हो चुकी है। लड़कों की कुश्ती प्रतियोगिता में 10 वेट कैटेगरी है और 10 वजन भार वर्ग में जो है हमारे बच्चे जो है जिला मंडी के आज खेलने वाले हैं और जो बच्चे यहां से जीतेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे, वही बच्चे आगे राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता स्कूली खेलों में जाएंगे। और यहां पर हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है कुश्ती खेल का और आने वाले समय में और दिन दूर नहीं जब ये छोटे छोटे 14 साल के बच्चे जो हैं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और आने वाले समय में बड़े पहलवान बनेंगे। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपके काम को बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चलो बच्चे जो लाइनअप बहुत ही मेहनती है संजय भाई और उनकी टीम, हमने अक्सर इनको टूर्नामेंट्स में बहुत बिजी देखा है, मोटिवेट बहुत करते हैं सभी बच्चों को। तो जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश जो है वो कुश्ती में लीड करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन डिनर हो गई है और लगातार मैचेस लगे हैं। ये हमारे तारा मैडम जी ग्राउंड कमेटी में है, अपने बच्चों के साथ लगातार सभी की सेवा कर रहे हैं।
मैच पूरे दिन बॉल बसेस और बीच बीच में कुछ क्लिपिंग हम आपको दिखाते रहेंगे। बॉल बसेस करसोक सेकंड वर्सेस राज फर्स्ट कबड्डी मैच सेकंड का बॉल बसेस राज फर्स्ट। बेटा कोर्ट खाली करो, मैट खाली करो, निकलो बेटा बाहर, मैट से बाहर निकल जाओ, कबड्डी वाले बॉल यही रहो, बाकी निकलो बेटा। पहला जो सेट है वो सदर सेकंड ने जीता है, सेकंड सेट लगा है, स्कोर लगभग बराबर है 9-7। ये कोच हमारे लालचंद बीपी, अंडर 14 के बच्चे जो है अपना दमखम दिखाते हुए, और ये पॉइंट अर्जित किया करसोग सेकंड। हमारे जो बंगोली के हेड मैडम साबी मैडम, जो डीएम मैडम हमारे स्कूल की, इनका जो कल ओपनिंग में रहा, ये हमारे वेलकम कमेटी के हेड है मैडम कुसुम जी, और साथ में साबी मैम, हमारे हुकम जी पीईटी, विद्यालय के कर्मठ कर्मचारी सभी के सभी, और अपने अपने कार्य में लगे हैं। साथ में अब थोड़ी देर में यहाँ पर कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है, तो उसकी भी कुछ एक क्लिपिंग्स आपको हम दिखाएंगे कबड्डी कोर्ट में। सर ये मैच किस किस के बीच में? सर बल और सिराज, बल और सिराज फर्स्ट, बल और सिराज फर्स्ट का मैच आ रहे हैं। हमारे ऑफिशियल बैठे हैं सभी के सभी, हमारे हेडमास्टर साहब प्रवीण गुप्ता जी, डीएम सर, दौलत डीपी साहब, नमस्कार जी, कैसे हैं सर? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ये हमारे डीसी भाई साहब, आज संडे है और उसके साथ साथ अंडर 14 बॉयज के टूर्नामेंट लगे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ठीक है जी? तो हमारे ऑफिशियल्स और अलग अलग टीम कोचेस जो हैं अपने स्थान पर बिल्कुल तैनात हैं, इन सभी को कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे लोकल जो हैं वो भी आए हैं। नमस्कार जी सभी को। ये हमारे वॉलंटियर हैं जो लगातार सेवा में लगे हैं, डस्टबिन क्लियर करें। अब वो वाला डस्टबिन किया क्लियर? वो एक डस्टबिन वहीं रखना है, वो प्लास्टिक वाला, बच्चे वहाँ बैठते हैं ना बेटा दीवार के साथ, वहीं खाते हैं, दाएं बाएं लगा के फायदा नहीं है, है ना? कौन सा जोन है बेटा? कौन सा बल? तो ये बल के हमारे जुझारू खिलाड़ी हैं, अभी दूसरी टीम पहुंचने वाली है, जैसी पहुंचेगी तुरंत मैच आप सबको लाइव कर दिया जाएगा, डेफर्ड लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, राहुल एडवेंचरस नेगी, डीएस नेगी सर से भी आप सर्च कर सकते हैं, और ये सारे मैचेस और सारे वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगे, और फोटो मिलेगी आप सभी को इंस्टाग्राम पे राहुल 2349 पे।